Finally, 15 pair of coat set. Coat नहीं, cords, cords set. 20 मंगवाए थे, 15 ही आए हैं. Hi guys, welcome back to my channel. आप सबका मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है. मैं हूँ आप सबकी गीमा आशी चहिती और आप लोग मुझे प्यार से मीशो आशी के नाम से भी जानते हैं. बाकी आप लोग टाइटल से तो पढ़ ही चुके होंगे, समझ गए होंगे, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक करा क्योंकि आपको इस वीडियो का बहुत देर से इंतज़ार था कि दीदी कोर्ट साइड कोर्ट 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 परेशान कर रहे थे इसने मुझे. मेरा लाइंड अप थी मेरी सारी चीज़ें और कोर्ट साइड यहाँ था और डिमांड यहाँ से आ रही थी. मैंने कहा यार अब चार वीडियो बाद ही कोर्ट साइड होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस. मैंने 20 पेयर्स ऑर्डर करे थे, मतलब सब कुछ वैरायटी मैंने ऑर्डर करा था, जो जो मुझे ऐसे ऐसे मीशो पे दिख रहा था जो बहुत अच्छा लग रहा था वो. लेकिन हमेशा की तरह 15 आ गए हैं, 5 नहीं आ पाए हैं. ठीक है, तो वो बाद में आएंगे, तो वो बाद में आएंगे, शायद मैं उनकी शॉर्ट्स निकाल दूँगी. मुझसे भी वेट नहीं हो रहा था तो मैं आज आपको 15 आर्टिकल्स दिखाने वाली हूँ. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, 15 पेयर हैं. फटाफट दिखाती हूँ आपको सारे पेयर, सबका लुक, स्टाइल, फिट, प्राइस, क्वालिटी, मटेरियल. आपको तो पता ही अगर आप मेरे सारे हॉल्स वीडियो देखते आ रहे हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से. गाइज, मैंने हमेशा की तरह बहुत वाइड वैरायटी, वाइड रेंज ट्राई किया. आपको सस्ते भी मिलेंगे, महंगे भी मिलेंगे. तो जो अभी जो मेरे पास ये वाला पैकेट है, इसमें ना तीन हैं इकट्ठे, तीन आए, शायद ये एक ही जगह से आए होंगे. तो जो सबसे पहला है वो बहुत ट्रेंडी काफ्तान टॉप आजकल चल रहा है ना, काफ्तान फुल पहन लो, ड्रेस पहन लो. मैंने मीशो से लॉन्ग ड्रेस में भी वो पहना था एंड मैं झांसी गई थी, मैंने वहाँ पर भी वो पहना था. तो ये है वो काफ्तान ड्रेस, इसमें दो कलर के ऑप्शंस थे. ये मुझे पड़ी थी 793 रुपीज़ की. मैंने स्मॉल साइज़ मंगवाया है और इसमें दो कलर थे, एक पिंकिश एक ब्लूइश. मैंने ब्लूइश मंगवाया है. देखते हैं मटेरियल कैसा है, देखते हैं लुक कैसा है, फिट कैसा है. कोट सेट्स के बेस्ट पार्ट ये भी रहता है कि आपको टेंशन नहीं लेने की टॉप क्या पहनना है, बॉटम क्या पहनना है, पूरा लुक हो जाता है. जैसे वन पीस ड्रेस को होता है, इतना कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए काफ़ी लोग को ये पसंद आते हैं. और लाइक 1500 रुपये में आपको पूरा हेड टू टो लुक रेडी हो जाता है. तो चलो देखते हैं कैसा है ये फर्स्ट पीस हमारा. आर यू किडिंग, सीरियसली? मतलब गाइस मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था. मैं सच में बताऊँ, मुझे ये लग रहा था जो दिखाया है ना इसका कुछ कॉपी आएगा, मटेरियल गंदा होगा, मुझे ऐसा लग रहा था. लेकिन इससे प्राइस थोड़ा हाई है, 700-800 रुपए के अराउंड है ये. तो उस हिसाब से जो दिखाया है वही आया है. सी, ये पूरा अपर काफ्तान टॉप है जो बिल्कुल ही ढीला है. ठीक, और ये आपको यहाँ पे बटन दिख जाएंगे पूरे, सेम वही कलर है. मटेरियल काफ़ी सही है, चीप कहीं से भी नहीं लग रहा है, मतलब स्टिचिंग भी चीप नहीं लग रही है. और ये है इसका पजामा पेंट, आप देख सकते हो बिल्कुल सेम प्रिंट है, इसमें पॉकेट भी है. मैं क्विकली ट्राई करके आती हूँ फिर रिव्यूज़ देती हूँ. गाइज आप देखो, जैसा लुक पिक्चर में दिखाया था ना एग्जैक्टली सेम वैसा ही आया है, उसी स्टाइल में. जैसे गर्ल वो खड़ी थी आप देखो, बिल्कुल वैसा ही है. मटेरियल बहुत अच्छा है और आप देखो एक बार, ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं बिल्कुल चमगादड़ लगूंगी अगर मैंने ऐसे कर लिया तो. यहाँ से आपको दिख जाएगा पूरे ऐसे लाइक कटिंग है और यहाँ से ये पूरा खुला है, पूरा खुला और फ्रंट पूरा ओपन हो जाएगा. मटेरियल क्वालिटी काफ़ी सही है. आप अगर इसकी लोअर की बात करो तो आपको दिखेगा कि दोनों तरफ पॉकेट और अच्छी खासी बड़ी पॉकेट है. इलास्टिक दिया हुआ है, प्रिंट बहुत अच्छा है और आप लेंथ भी देख सकते हो कि लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है. मैंने इसको बिल्कुल अपने लाइक बेली बटन पे इसको बांधा हुआ है, मतलब पहना हुआ है वहाँ तक, तो भी ये मुझे इतनी आ रही है. मैंने हील पहनी है तो आप देख सकते हो कि मुझे कहाँ तक आ रही है. मेरी हाइट 5'2" है, अगर 5'3" 5'5" भी है ना आपकी हाइट तो भी आपको ये आराम से अच्छे से आ जाएगा, छोटा नहीं रहेगा. सो काफ़ी सारे गर्ल्स के कमेंट भी थे कि कुछ ऐसी ड्रेसेस भी आप सजेस्ट करो कि हम प्रेगनेंसी में उसको पहन पाएँ. तो मुझे था कि मैं स्पेशली क्या वैसी ड्रेसेस उनके लिए लाइक हॉल बनाऊँ जो मुझे वैसी ड्रेसेस लगेंगी कि हाँ वो ये कम्फर्टेबली वियर कर सकते हैं, तो ना मैं उस पर्टिकुलर ड्रेस में वो मैंशन कर दूँगी. जैसे ये वाला काफ्तान स्टाइल की जितनी ड्रेसेज हैं, नाइट वेयर है, कुर्ती है, कुछ भी अगर काफ्तान स्टाइल में है ना, तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप वो चीज़ आसानी से कंफर्टेबली पहन सकते हो. जैसे ये वाला आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लूज़ है. तो काफ़ी लोग टाइट फिटेड कपड़े नहीं प्रेफर करते अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो मैं उनके लिए ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये पहन सकते हो, बुरा भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कम्फर्टेबल है. तो आप इसके लिए भी सोच सकते हो. मेरे लिए इस लुक के लिए जो दिखाया था कोट सेट जैसा दिखाया था,
थम्स अप है गाइस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग भी, लुक के अकॉर्डिंग भी। बाकी आपके सामने है, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। काफ़ी बार कुछ चीज़ों की इतनी अच्छी क्वालिटी आ जाती है ना, मतलब मुझे खुद कई बार बिलीव नहीं होता है कि वाओ। चलो, जो इसी पार्सल में से जो सेकंड पैकेट है ना, वो है ये फुल स्लीव्स फ्रंट ओपन, ये वाली क्रॉप टॉप और ये स्कर्ट का सेट। ये मुझे पड़ा है 500 रुपये का और मैंने इसका साइज़ स्मॉल मंगवाया। 500 रुपये में हेड टू टो ये वाला लुक मिलेगा तो कितना प्यारा लग रहा है ना। देखते हैं कैसा रहता है इसका मटेरियल, क्योंकि ये तो था 700-800 रुपये के हिसाब से, 500 रुपये के हिसाब से भी मटेरियल देख लेते हैं। गाइस, बिल्कुल सेम मटेरियल है, बिल्कुल सेम है ये, जैसा दिखाया था पिक्चर में वही मल्टी कलर्ड शर्ट है। आप इसके प्रिंट देखो, बस कुत्ते भौंकने रोने शुरू हो गए हैं। और फ्रंट ये ऐसे जो दिख रहा है, आप इसको फ्रंट नॉट बांध सकते हो, क्रॉप शर्ट पहन सकते हो, आप इसको सेपरेट सेपरेट भी वियर कर सकते हो। ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, बीच वगैरह में आप शॉर्ट्स वगैरह के साथ पहन सको। ज़रा मैं इसकी स्कर्ट देखूँ, ये है इसकी स्कर्ट। मुझे लगता है मुझे वेस्ट से टाइट ना हो, पीछे वैसे इलास्टिक दी है, आप इतनी लूज़ हो जाएगी। और कटवट भी है इसमें, हाँ ये साइड में आएगा और ये है कट, जैसा पिक्चर में दिखाया था एग्जैक्टली वैसा ही आया है। कपड़ा काफ़ी सही है, इसमें कोई अस्तर वगैरह नहीं लगा है, क्योंकि बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है तो अस्तर की क्या ही ज़रूरत होगी। मैं फटाफट वियर करके आती हूँ, फिर बताती हूँ कैसा लग रहा है। गाइस, इस ड्रेस का मटेरियल बिल्कुल सेम है जैसा उस ड्रेस का था, आप देख सकते हो। लुक आप इसका देखो, वही शर्ट आगे से आप ऐसे नॉट बांध सकते हो, स्लीव्स आप देख सकते हो, इसकी बेल स्लीव्स हैं, प्रिंट बिल्कुल सेम है, मटेरियल बहुत अच्छा है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, गर्मियों में बहुत मज़ा आएगा। मुझे जो लगा कि यार इसका जो ये कट है ना, ये काफ़ी छोटा है, ये यहाँ से भी कट होता ना तो बहुत अच्छा लगता, वो तो अच्छी बात है इन्होंने छोटा कट दिया, जिसको चाहिए वो उसको बड़ा करवा सकता है। लेकिन आप इसका पूरा एक बार फिट देखो, लुक देखो, कितना अच्छा लग रहा है। बीच के लिए तो ये ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। और जो मैंने इससे पहले काफ्तान ड्रेस पहनी थी, वो तो यार एयरपोर्ट ट्रैवल वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल और बहुत अच्छी रहेगी। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब जिस साइड से या जिस पेज या जिस स्टोर से ये दोनों ड्रेसेस आई है ना, वो काफ़ी अच्छा स्टोर होगा। मुझे बहुत अच्छी लगी ये ड्रेस, भी मुझे बहुत अच्छी लग रही, जैसा पिक्चर में दिखाया था एग्जैक्टली वैसी है। लुक फिट एंड स्टाइल, थम्स अप फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट दिखाती हूँ। यार पहले दो कोट सेट्स तो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो हमारा थर्ड है ये थोड़ा कॉस्टली है, 819 रुपीज़ का है। मुझे लगता है ये वाले तीनों थोड़े कॉस्टली वाले ही थे, रुक जाओ सबर करो, आगे सस्ते वाले भी आएंगे अगर आपको ये कॉस्टली लग रहे तो। काफ़ी लोग बोलते हैं आप सस्ते मंगवाते हो ना, इसलिए अच्छे नहीं आते, तो मैंने ना सारे मंगवाने शुरू कर दिया मिड टू हाई। तो ये मुझे 800 रुपए का पड़ा स्मॉल साइज़ का। ये काइंड ऑफ कोट और पेंट का सेट है, स्मॉल साइज़ का, लेवेंडर कलर का। लेट्स सी कैसा आता है। यार हैवी बहुत लग रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज और डाइसी थी। मैंने ना ऐसे दो सेट मंगवाए थे कोट और पेंट वाले, एक आ गया, एक मरून कलर का भी था, ये अब तक आया ही नहीं है, पता नहीं कब आएगा। मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, बहुत ठंडा लग रहा है मटेरियल, बहुत फ्लोई मटेरियल लग रहा है, कड़कड़ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एंड आप ये इसका फ्रंट है, और आप इसको बैक से देखो, बैक से इलास्टिक है, फ्रंट में एक सिंगल बटन है, पॉकेट है, एंड पूरा आप इसका स्ट्रेट है, बिल्कुल काफ़ी लूज और स्ट्रेट, काफ़ी सही लग रहा है यार ये मटेरियल। मेरे को लग रहा है कि शायद फिट में अच्छा आएगा, कंफ्यूज हूँ फिट का तो मैं, मटेरियल वाइज तो ओके, स्टिचिंग इज़ वेरी नाइस। और ये है इसका ब्लेज़र, इसमें साइज़ 38 दिया हुआ है मेंशन, और काफ़ी कुछ चाइनीज़ लोगों का, चाइनीज़ ब्रांड और कुछ कुछ लिखा हुआ है। आप देखो ये है इसका ब्लेज़र, जो काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। स्लीव्स फ्रंट भी बिल्कुल सेम है, लेकिन कोई पॉकेट नहीं है इसमें। मैं ट्राई करके ही आपको कुछ बताती हूँ ये कैसा लग रहा है, ट्राई करके आती हूँ। गाइस, मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि मुझे ये मटेरियल और ये स्टाइल मैं एक्सपेक्ट कर पा रही हूँ मीशो से, वो भी जस्ट 500 रुपये में। इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारा है, मतलब बॉटम का इतना अच्छा फिट आ रहा है ना, पॉकेट इतनी अच्छी लग रही हैं। जो ब्लेज़र का लुक है ना, वो ओवर साइज़ है, या तो उन्होंने मुझे साइज़ बढ़ा दिया है, मैंने एस ऑर्डर किया था, एस नहीं होगा उनके पास। साइज़ में मैं थोड़ी डाइसी हो रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ओवर साइज़ वाला ब्लेज़र वाला लुक आ रहा है। आप देख सकते हो ये दो बटन वाला लुक है, ब्लेज़र में कोई पॉकेट नहीं है, बहुत सॉफ्ट इसका मटेरियल है। ये ब्लैक टैंक टॉप मैंने खुद का पहना है, आप एक बार बैक से भी इसका पूरा लुक देख सकते हो, कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी फॉर्मल में जाना है और फॉर्मल कोट सेट में जाना है और ये आपको 500 रुपये में मिल रहा है, तो डेफिनेटली थम्स अप फ्रॉम माई साइड।
बाकी थोड़ा सा जो फिटिंग इशू आ रहा है वो मुझे इतना बड़ा नहीं लग रहा है, जब मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द रेट्स, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप उसका पूरा लुक, पूरा स्टाइल और फिट आप देख सकते हो। मेरी तरफ से तो थम्स अप है ही, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। चलो, इन तीन आर्टिकल्स एक जगह से आए थे, इनका किस्सा तो होता है ख़त्म। अब मैं नेक्स्ट आर्टिकल्स ट्राई करती हूँ, क्या पता वो फ्लॉप हो जाए, क्या पता। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये हमारा कोट सेट, मैंने पिस्ता ग्रीन कलर का मंगवाया, आप देख सकते हो ये ऐसा सेट था और मुझे ये पड़ा था 344 रुपीज़ का। मैंने स्मॉल साइज़ का ही मंगवाया है इसको। लेट्स सी कैसा आता है मटेरियल। ठीक लग रहा है। ओ, पहले मुझे ये लग रहा था कि ये अलग से होगा, ये अलग से होगा, लेकिन ये पूरा अटैच है। पीछे से आप देखो, फ्रंट से आप देखो, काफ़ी सॉफ्ट, क्या हो रहा है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। लुक बिल्कुल सेम है जैसा पिक्चर में दिखाया था, इसमें कुछ टैग में साइज़ मेंशन नहीं है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ये है इसकी पैंट्स, आप देख सकते हो अच्छी खासी चौड़ी पैंट है, कलर भी बिल्कुल सेम है एंड पॉकेट हैं इसमें। और मटेरियल ठीक लग रहा है, सी थ्रू तो नहीं लग रहा है पहनने के बाद, लेकिन पता नहीं शायद लाइट पड़ने पे शायद टांगे चमके, नहीं इतना सी थ्रू नहीं है। देखो सही लग रहा है, मतलब जैसा पिक्चर में था लुक वाइज कलर वाइज सेम आया है। स्टिचिंग बिल्कुल भी चीप नहीं लग रही है, ठीक लग रही है मुझे स्टिचिंग। मैं एक बार पहन के देखती हूँ कि लुक में कैसा आ रहा है। गाइस, लुक में तो बिल्कुल प्यारी वैसे ही लग रही है, देखो जैसा पिक्चर में दिखाया था, लेकिन ना इसका बॉटम थोड़ा लेंथ में छोटा है, मुझे एकदम बिल्कुल ऊंचा सा यहाँ आ रहा है। थोड़ा लंबा दे देते तो क्या चला जाता, लंबे लोग भी पहन पाते। 5'2" वाले को छोटा आ रहा है, 5'3", 5'4", 5'5" वाले को तो ये कहाँ ही जाएगा। आप पॉकेट देख सकते हो, सिर्फ एक ही तरफ पॉकेट है, इस तरफ, ये मैंने क्या बोला, इधर तो पॉकेट है ही नहीं। लेकिन मुझे टॉप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, देखो ना कितनी पफी स्लीव्स हैं, ये इसमें अटैच्ड है, मतलब क्रॉप भी नहीं कह सकते हो, बहुत लॉन्ग भी नहीं कह सकते हो, नॉर्मल जहाँ टॉप आता है बिल्कुल वही है। कवरी भी है, स्टाइलिश भी है, क्यूट भी है, मुझे टॉप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बॉटम से ना मैं थोड़ी सी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचा लग रहा है, थोड़ा लंबा होता या अगर आप मेरी हाइट से छोटे हो, आपकी हाइट 5'2" 5'3" है तो आपको इतना आएगा। बाकी आप इसका लुक देख सकते हो। वैसे तो मुझे इससे कोई भी दिक्कत, शिकायतें, गिले शिकवे नहीं हुए हैं, बस लेंथ वाला चीज़ है और बॉटम का ही थोड़ा इशू हो रहा है मुझे। वैसे मुझे काफ़ी सही लग रहा है, क्या दूँ, थम्स अप दे दूँ, नहीं देती हूँ मैं 50-50 पे, इसको यहीं छोड़ जाती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस। नेक्स्ट दिखाती हूँ। चलो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये पार्सल जब मुझे रिसीव हुआ, मैंने कट करके देखा था ना, तो बड़ा अजीब सा मटेरियल लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने इस मटेरियल का क्या मंगवाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्का कुछ झोल हुआ है मेरे साथ इस बार। पहले मैं देखूँ ये है क्या, मतलब आप, मैंने इस पैकेट को ट्रस्ट में ओपन नहीं किया। आप देखो ये कुछ बंदा हुआ, उल्टा लिपटा हुआ कुछ पार्सल मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है, उस पर लिखा कुछ है। मुझे इंट्यूशंस हो रहे हैं कि मीशो ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। छी, इस पे बाल भी लगा है, पॉटी है क्या? क्या उसमें? क्या इसमें? अभी ये क्या है? टट्टी है तो? ये तो टट्टी है। Shut up! What the? देखा आपने? इन्होंने मुझे क्या पैक करके दिया है? मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स बताती हूँ। Frustrating. Sold by कोई दिल्ली से है ये, ठीक है? हंगामा फैशन करके है ये, दिल्ली से। इन्होंने लिखा था ट्रेंडी मॉडर्न वुमेन टॉप एंड बॉटम सेट स्मॉल साइज का, और ये था मेरा 350-350 रुपये का। आप पूरी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे लिखी है अगर आप पढ़ पाओ तो। और इन्होंने क्या भेजा है, मतलब यक मैन, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। स्टॉप,
गाइज दिस इज़ दी ओनली रीज़न काफ़ी सारे लोग मीशो पे क्यों बिलीव नहीं करते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी मीशो की वीडियो स्पॉन्सर्ड है, कोलैब है, तो मेरी यूट्यूब की मीशो की कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड और कोलैब वाली नहीं होती है। ये पर्सनली मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आप लोग को मीशो इसलिए इतना पसंद है और मुझे भी वो वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हो, दैट्स इट। मुझे कोई पर्सनल ऐसा नहीं है जो ये सीन मेरे साथ हो, अगर ये किसी ऐसे बंदे के साथ हो जिसने बहुत मिन्नतों से वो ऑर्डर लगाया है, 350 रुपये मेहनत से कमा के वो ऑर्डर लगाया है और उसके बाद ये निकल रहा है, उसके बाद आप क्या ही कंप्लेन कर लोगे? कोई नहीं सुनने वाला है, कोई रिटर्न नहीं लेने वाला है, कोई नहीं मानने वाला है कि उसमें से क्या निकला क्या नहीं निकला, और आप फिर आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि लोग मीशो पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। मेरे साथ भी पहले हुआ है, कई बार कतरने निकल गई हैं, इग्नोर करा, बात की मीशो पे, कुछ नहीं हुआ। आज मतलब इतना गंदा वाला, मेरे को लिटरली इतना बुरा फील हो रहा है उसको पकड़ के छू के कि भाई छी आप ऐसा क्यों ही कर रहे हो। मतलब क्या आप 350 रुपये किसी के मार के बहुत अमीर बनने वाले हो क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो लिटरली इतना फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ना उसको देख के कि ये जो इतने पार्सल्स आपको यहाँ नीचे पड़े हुए दिख रहे हैं, जो मैं मुझे था कि मैं अब देखूँ कि उनमें क्या है, अलग ही गुस्से का लेवल हो गया है मेरा। मैं क्या ही बोलूँ, जो हो गया अब वीडियो तो पूरी कंप्लीट करनी है, बाकी बी अवेयर कुछ भी हो सकता है। जो मैं लिंक जहाँ से मैंने परचेस करा जो आया आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक से वो सामान मंगवा लेना, बाकी भगवान भरोसे हूँ यार, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ मैं। चलो जो नेक्स्ट ड्रेस है हमारी, होपफुली वही ड्रेस है देखने में, 350 रुपये की है। आप देख सकते हो पिक्चर में कितनी अच्छी दिख रही है, लेट्स सी अब क्या आया है। स्मॉल साइज़ का मैंने मंगवाया है, मेरा मूड ही ख़राब हो गया, वरना मैं इतनी चेयरफुल रहती हूँ वीडियो शूट करते हुए। अब थोड़ा टाइम लगेगा मुझे उतने ही चेयरफुली बात करने में। तो गाइस ये देख सकते हो, ये अंदर का आपको पहनने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, एडजस्टेबल इसके स्ट्रैप्स हैं, मटेरियल ठीक है। और इसके ऊपर ना ये जो शर्ट है वो आप देख सकते हो, ये वो शर्ट काइंड ऑफ है जो आप इसके ऊपर पहनोगे। और इसमें ये पूरा बीच में से आपको जो दिख रहा है ना, ये है कि ये डोरी है साइड में, जो आप इसको खींचोगे तो ये पूरी ऐसे टाइट होती जाएगी, तो बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा। शर्ट का मटेरियल भी ठीक लग रहा है, बहुत हार्ड वाला कपड़ा नहीं है। अब बात की जाए इसकी पैंट्स की, तो ये बलून फिट वाली पैंट है, आप देख सकते हो मटेरियल काफ़ी सी थ्रू लग रहा है, मे बी कलर की वजह से लग रहा हो, सामने से लाइट आ रही है इस वजह से लग रहा हो, लेकिन हाँ मटेरियल सी थ्रू है। अगर आप कुछ अंदर ब्लैक कलर की भी आपने पैंटी वगैरह पहनी हुई तो वो क्लियर दिखने वाली है, देखो बहुत सी थ्रू मटेरियल है, कोई इसमें अस्तर नहीं है, ब्रॉड इलास्टिक लगाकर इसको लुक दिया हुआ है। लेंथ भी छोटी लग रही है लंबे लोगों के हिसाब से, बस बॉटम में मुझे ये दिक्कत आई। मैं वियर करके बताती हूँ कैसा क्या है। गाइज अगर ये 300-350 रुपये के हिसाब से सिर्फ टॉप टॉप होता ना तो भी बहुत अच्छा होता। मुझे टॉप इसका बहुत क्यूट लगा, रेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो जो भी इसकी डिटेलिंग्स हैं वो बात अलग है, जो पिक्चर के थोड़े कलर्स हैं ना उससे बहुत ही डिफरेंट है, मटेरियल भी डिफरेंट है, पूरा उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। बॉटम मुझे कहीं से भी पसंद नहीं आया, तो मतलब अगर मैं कोट सेट के इसकी बात करूं तो अब इग्नोर फ्रॉम माय साइड, क्योंकि कोट के लिए ये तो बिल्कुल भी स्टैंड आउट कर ही नहीं रहा है। बस मुझे टॉप थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो मैं बस टॉप टॉप के बारे में बोलूं कि अगर आपका मन है कि हाँ 350 रुपये में आपको सिर्फ ये टॉप चाहिए तो आप देख सकते हो, आप बॉटम किसी को भी दे सकते हो, छोटी बच्ची को, क्योंकि हाइट में भी बहुत छोटा है, मटेरियल भी बहुत सी थ्रू है। और बस मुझे ना ये ज़्यादा एज सच पसंद ही नहीं आया कि मैं इसके बारे में आपको कुछ और अच्छी डिटेलिंग्स वगैरह बताऊँ। सिर्फ एक तरफ पॉकेट है, एक तरफ पॉकेट नहीं है, और कलर भी सेम नहीं है, बस जो अपर की ये शर्ट काइंड ऑफ श्रग टाइप का है इसका ही कलर सेम है, या बाकी आपके सामने है, मुझे इतना पसंद नहीं आया। नो फ्रॉम माय साइड, नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा पार्सल है ना, इसमें भी दो आर्टिकल हैं, तो शायद ये भी एक ही जगह से आए होंगे। तो जो मेरा फर्स्ट आर्टिकल है वो है 654 रुपीज़ का, 650 रुपये का है ये, आप देख सकते हो कितना प्रिटी से कलर थे इसमें, 4 कलर के ऑप्शन थे, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड पिंक, लेकिन चारों ना कुछ कुछ अलग है। एक में स्कर्ट है, नहीं, जो ये आर्टिकल है इसके दो ही कलर थे, पिंक एंड ग्रीन। जो मेरा दूसरा आर्टिकल है वो है स्काई ब्लू, जिसके दो कलर हैं, स्काई ब्लू और येलो, तो ये एक ही जगह के। आप पिक्चर में ध्यान से देखो ना तो लाइन्स है चारों दिए हुए हैं, तो मैंने फर्स्ट दो में से एक मंगवाया, सेकंड दो में से एक मंगवाया, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। दोनों के प्राइस बिल्कुल सेम है, 650 रुपये, और दोनों को मैंने स्मॉल साइज़ का मंगवाया है। पहले एक दिखाती हूँ फिर दूसरा दिखाऊंगी। गाइस जैसे पहले तीन वो सेट थे ना, ये वैसा सा है, मटेरियल काफ़ी सही लग रहा है,
और ये निकर है और स्कर्ट काइंड ऑफ इसका फील आएगा पहन के, स्कॉट नहीं है, है तो प्रॉपर निकर लेकिन स्कर्ट टाइप का फील आएगा आपको। सामने बेल्ट वाला पैटर्न दिख जाएगा, पीछे इलास्टिक दिख जाएगी, काफ़ी लूज टाइप का इसका लुक है। कुछ गिरा? अच्छा, ओ शिट, मेरे को लगा पता नहीं क्या ही गिरा। और ये है इसका अपर, अपर आप देखो फ्रंट से पूरा ऐसे है और साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है यार स्मॉल साइज़ में भी, और बैक से पीछे ऐसे नॉट बंधेगी, काफ़ी स्टाइलिश है, पूरा फ्रिल फ्रिल वाला पैटर्न वाला है टॉप है, और बीच वगैरह में तो ये बहुत प्यारा लगेगा। 650 रुपये के हिसाब से बहुत प्यारे कलर हैं इसके और बहुत स्टाइलिश भी है। मैं वियर करके आती हूँ इसको। गाइस 650 रुपीज़ के हिसाब से ये प्यारा सा कोट सेट मुझे काफ़ी क्यूट लग रहा है। मटेरियल बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लुक बहुत अच्छा है, फिट बहुत अच्छा है, इसमें कोई पॉकेट नहीं है। लेकिन आप इसका पहले फिट देखो, थोड़ा शॉर्ट ये है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिन लोगों को मतलब शॉर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैक से भी देख सकते हो, वो बैक से ऐसे नॉट होगा, ये स्लीवलेस है और ये पूरे ऐसे फ्रिल पैटर्न है, ये ऐसे नॉट हो जाएगा। फ्रंट आप देखो 650 रुपीज़ के हिसाब से जो लुक दिखाया था एग्जैक्टली वैसे ही आया, मटेरियल बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिट सब कुछ बहुत अच्छा है, तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है। अब मैं नेक्स्ट वाला आर्टिकल देखती हूँ जिसके साथ आया। अब ये वाला देखती हूँ कैसा है। मटेरियल बिल्कुल सेम वैसा ही है, बहुत प्यारा सा सॉफ्ट सा मटेरियल है। देखो ये है स्कर्ट जैसा, उसमें तो निक्कर था, ये पूरी स्कर्ट है और सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, और नीचे अस्तर भी दिया हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये रहा अलग से अस्तर। अब बात की जाए इसके टॉप की, तो ये श्रग काइंड के पैटर्न का टॉप है, आप देख सकते हो इसकी इतनी स्लीव्स हैं, बिल्कुल शर्ट वाले पैटर्न की स्लीव्स हैं, आगे आपको थोड़ी बलून टाइप की स्लीव्स मिल जाएंगी, और फ्रंट में ये बिल्कुल ऐसे आके नॉट बंधेगा इधर से और इधर से, ऐसे नॉट बन जाएगा लपेट के। तो इसको भी मैं ट्राई करके आती हूँ फिर बताती हूँ कैसा लग रहा है। इस पे जो MRP दिया हुआ है उस पे MRP दे रखा है 3000 रुपये, 2999 MRP, माई गॉड 3000 रुपये की 650 में मिल रही है, मटेरियल तो काफ़ी अच्छा। चलो इसको भी मैं ट्राई करके आती हूँ। गाइस 650 रुपये के हिसाब से ये ड्रेस देखो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, एग्जैक्टली सेम जैसे पिक्चर में दिखाई है ये बिल्कुल वैसे ही आई है। बहुत सॉफ्ट इसका मटेरियल है, बहुत प्यारा इसका प्रिंट है, ये पूरा टॉप को मैंने ऐसे ट्विस्ट करके पूरा यहाँ पे बांधा है, आप इसको कैसे भी बांध सकते हो, जितना डीप आप इसका नेक करना चाहते हो उतना डीप आप इसका नेक कर सकते हो। स्कर्ट का मटेरियल बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप देख सकते हो कैसी लग रही है ओवरऑल, बीच के हिसाब से समर के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ड्रेस, और यहाँ पर आप पूरा इसको बांध भी सकते हो और खोल के ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो। पफ़ी थोड़ी काइंड ऑफ इसकी स्लीव्स है। मुझे ऑल ओवर ये दोनों ड्रेसेस जो एक पैकेट में थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी 650 रुपीज़ के हिसाब से। अब मैं बचे हुए रिमेनिंग आर्टिकल्स देखती हूँ, तो इसके लिए मेरा है थम्स अप, मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइस जो नेक्स्ट हमारी ड्रेस है वो है ये 367 रुपीज़ की ड्रेस है, पूरा देख सकते हो नीचे स्कर्ट और टॉप का बड़ा अच्छा ब्लैक एंड वाइट कॉम्बो है, मैंने स्मॉल साइज़ का मंगवाया, लेट्स सी कैसा आता है। पैटर्न एग्जैक्टली प्रिंट एग्जैक्टली सेम है, टॉप भी बिल्कुल सेम लग रहा है, ये ना ऐसे ट्यूब काइंड ऑफ का टॉप होगा, स्लीव्स वाला नहीं, आप स्लीव्स हाथ यहाँ से निकाल सकते हो, आप इसको चाहो तो आप बिल्कुल ऐसे भी पहन सकते हो, राउंड भी पहन सकते हो, कैसे भी पहन सकते हो, ऊपर भी इलास्टिक है और आपको नीचे भी इलास्टिक दे दी जाएगी, एग्जैक्टली सेम है। अब बात की जाए स्कर्ट की, तो ये है स्कर्ट, काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी लग रही है, और ये रहा इसका कट जो वो फ्रंट कट आपको दिखाया था, सी थ्रू मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, मतलब 350 के हिसाब से बहुत सही लग रहा है। बाकी मैं पहन के दिखाती हूँ इसका लुक एंड फिट कैसा आ रहा है। गाइज आप इसके पहले पूरा लुक देखो, जैसा पिक्चर में दिखाया था ना एग्जैक्टली सेम ये वैसा ही आया है। वैसे मैं ऐसे खड़ी जाऊँगी तो आपको कोई कट दिखेगा ही नहीं, वरना ऐसे दिखाऊंगी तो ये कट इधर है, पूरा ऊपर तक कट है, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा पिनअप लगाना पड़ेगा जिससे ये कट सिर्फ इतना ही दिखे। बाकी आप अपर इसका टॉप देखो, जैसे मैंने बोला था कि आप इसको ऐसे ट्यूब टॉप काइंड ऑफ बना के भी पहन सकते हो, मतलब ऐसा ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हो और ऊपर भी कर सकते हो, ये जैसा आप पहनना चाहो वैसा। आप बैक से भी देखो ये ऐसा लग रहा है, ड्रेस एग्जैक्टली सेम आई है, मटीरियल बहुत अच्छा है, लुक बहुत अच्छा है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है, एंड मेरी तरफ से तो थम्स अप है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसा दिखाया था वैसा ही सेम आया है, बहुत सही है ड्रेस लग रही है। चलो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइस चलो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट है मुझे काइंड ऑफ इंडो वेस्टर्न टाइप का लग रहा था, आप देख सकते हो ये है टॉप और बॉटम का सेट, ये मुझे पड़ा था
700 रुपीज़ का, हाँ मतलब 696 रुपीज़ का, 700 रुपीज़ का पड़ा था। मैंने स्मॉल साइज़ का मंगवाया था, ये बड़ा कलरफुल सा लग रहा था तो मैंने ये मंगवाया है। लेट्स सी कैसा आया। मटेरियल मोटा सा लग रहा है मेरे को, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। बाप रे, स्मॉल साइज़ इतना चौड़ा। ये ऊपर से आप जहाँ जैसा बंद करना चाहो ये अपर से आप बंद कर सकते हो। इसमें कोई चैन वगैरह नहीं है, आप देख सकते हो कितना चौड़ा ये फ्रॉक टाइप का, कुर्ती टाइप का ये कपड़ा है। ये इसका अपर है जो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। और इन कपड़ा प्रिंटेड है, कलर उतने ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है जैसा पिक्चर में दिखा रहे हैं, कोई अस्तर वगैरह नहीं लगा है। स्लीव्स भी दी हुई है इन लोगों ने एंड कपड़ा बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट काइंड ऑफ मटेरियल है। और ये है इसका बॉटम, इलास्टिक देखो। पॉकेट इसमें दोनों तरफ कोई भी पॉकेट नहीं है, बस स्ट्रेट पैंट टाइप का है। वी अगर के दिखाती हूँ थोड़ा लुक वगैरह, थोड़ी डाइसी हूँ मैं इसको लेके। पता नहीं क्या बनाया है ये, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसको अच्छे से रेप्लिकेट भी नहीं कर पाया, वहाँ अलग लग रहा था, यहाँ तो बिल्कुल नाइट सूट वाला फील दे रहा है। नाइट सूट होता तो कसम से बहुत कंफर्टेबल है। हाँ, ढीला पजामा मस्त सो, बिल्कुल टाइट नहीं है ये, ऐसा ढीला सा कुर्ता, ये बस स्ट्रैप्स इनको सिल दो, मस्त नाइट सूट है। नाइट सूट के हिसाब से अगर मैं इसको देखूँ तो थम्स अप है, वरना ये वैसे जैसा दिखाया था उस हिसाब से मैं बोलूँ तो बिग नो फ्रॉम माय साइड। इतना महंगा और उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं। बाकी आप देख सकते हो मटेरियल अच्छा है, कंफर्टेबल है। अगर आपको वैसे पसंद आ रहा हो कि हाँ नहीं हमें तो अच्छा लग रहा है लुक, लॉन्ग ऐसा लग रहा है, कुर्ता पजामा टाइप का आपने पहना है, कुछ डिफरेंट फ्रॉक कुर्ता के साथ आपने पजामा पहना है, तो इट्स लाइक अप टू यू, योर चॉइस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर मैं कंपेयर करूँ, मैंने जिस माइंड सेट से, आप लोग के कोट सेट के माइंड सेट से इसको ऑर्डर करा है, जो पिक्चर में दिखाया था, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइज, नेक्स्ट जो हमारा कोट सेट है वो है प्रिंटेड स्कर्ट एंड पेंट प्लाजो। स्कर्ट कहाँ से लिख दिया उन्होंने, ये है 657 रुपीज़ का। अब इसको देख के मुझे लग रहा है जो ये आने वाला है ना, ये भी नाइट सूट होने वाला है। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है, स्मॉल साइज का मैंने मंगवाया है। लेट्स सी। बहुत सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट, प्यारा सा मटेरियल है। ये इसकी पेंट है, प्रिंट बिल्कुल सेम है जैसा पिक्चर में दिखाया है। और ये बहुत प्यारा पजामा लगेगा, रात में पहन के सोने में बहुत मज़ा आएगा, कंफर्टेबल, ट्रैवल में भी बहुत कंफर्टेबल। अब बात की जाए इसके अपर की तो यार कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये है इसका अपर, ये पूरा बंद होगा और साइज़ स्मॉल ही है। लेट्स सी पहन के कैसा लगता है, देखते हैं पिक्चर में जैसा दिखाया वैसा है या नहीं, ट्राई करके आती हूँ। गाइस, पहले आप इसका लुक देखो, ये कैसा लग रहा है। ये अगर ऐसे ना होने के बजाय पूरा ऐसे करके आता ना तो ये ज़्यादा सुंदर लगता। आप इसको चाहो तो आप ऐसे भी बंद कर सकते हो, उसका वो निकाल के आप इधर लगा दो कि ये इधर बंद हो जाए, तो इसका कुछ ऐसे लुक आएगा जैसा पिक्चर में दिखाया था। एग्जैक्टली सेम वैसा ही है, प्रिंट भी वैसा ही है, पैटर्न डिज़ाइन सब कुछ वैसा ही है। फिट वाइज भी बहुत सही लग रहा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है तो पहनने में मज़ा आ रहा है। और लाइक आपको इस रेंज में ये प्राइस मिल रहा है, आप देख सकते हो। मुझे ऐसा कुछ इसमें बुरा नहीं लग रहा है कि मैं जिस चीज़ की बुराई करूँ। अभी मैंने इसके नीचे तो अपना एक टैंक टॉप पहना है, बाकी आप कुछ भी इसके नीचे पेयर अप कर सकते हो, बाकी आपके सामने। बहुत ज़्यादा कम्फी है ये, गर्मी में पहनने में मज़ा आएगा, तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है। मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा कोट सेट है वो है टॉप प्लाजो सेट फॉर विमेन, 537 रुपीज़ का। ये आप देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट है, पूरा ऐसे नेक वाला पैटर्न था इसका, बैकलेस काइंड ऑफ, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये भी ट्राई करती हूँ 550 रुपये के हिसाब से, देखते हैं कैसा आता है। प्रिंट तो बिल्कुल ही सेम आया है, सी ये बिल्कुल सेम है जितना उसमें दिखाया था, जितना चौड़ा होगा। लगता है इसी की पिक्चर क्लिक करके भेजी है। प्लस पॉइंट मुझे ऐसा फील है, हाँ मुझे लग रहा था कि इसके अंदर अस्तर भी दिया हुआ है, मतलब 550 रुपये में आपको अस्तर भी मिल रहा है। कपड़ा बहुत ज़्यादा सही है, सॉफ्ट है, पीछे इलास्टिक दी हुई है जिससे आप इसको कंफर्टेबली पहन पाओ। लेंथ भी ठीक लग रही है, छोटी नहीं लग रही है। बात की जाए इसके टॉप की तो आप देख सकते हो ये है इसका टॉप, ये पूरे तरीके से आप अपने तरीके से पहन सकते हो। ये पीछे नेक में बंद होगा, फिर ये जो दो बचे हैं ये पीछे जाके ऐसे
बन दूंगे। अब सपोज आपको ये पसंद आ रहा है, आप इस तरीके के टॉप नहीं पहनते, तो आप क्या करो, अंदर ऐसा ब्लैक कलर का कुछ पहन सकते हो, कोई भी टॉप, टैंक टॉप, स्पेगडी, आप उसके ऊपर भी इसको वियर कर सकते हो। तो मैं जो अभी आपको पहन के दिखाऊंगी वो इस टैंक टॉप के ऊपर ही पहन के दिखाऊंगी, जिससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आप इसको कैसे पहन सकते हो, वरना जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो उसको ईजिली पहन ही लेंगे। तो चलो मैं इसको ट्राई करके आती हूँ, देखती हूँ कैसा लग रहा है 550 रुपये के हिसाब में। गाइस पहले तो मैं ये बोलूंगी, जैसा बच्चों में दिखाया था ना, ये एग्जैक्टली वैसा ही आया। देखो मैंने इसको स्लिपर के साथ वियर किया, आप देख सकते हो इसकी लेंथ मैंने कहा था कि काफ़ी ठीक रहेगी। मटेरियल बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। आप टॉप का भी लुक देख सकते हो, मैंने अंदर टैंक टॉप वियर कर रखा है, आप देख सकते हो इसको आप कैसे फिट दे सकते हो। ये बहुत सही लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, एंड 550 रुपये के हिसाब से आपको ये कोट सेट मिल रहा है, तो लाइक लिटरली थम्स अप फॉर माई साइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सीरियसली बहुत अच्छा है इसका मटेरियल, परफेक्टली आप इसको बीच बीच में आसानी से प्यार से पहन सकते हो। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आर्टिकल। सबसे बड़ा लोचा ये होता है, मैं शूट कर लेती हूँ फिर बाद में ध्यान आता है अरे माइक तो लगा ही नहीं है। इस वीडियो में भी यही हुआ, मैं दोबारा बोल रही हूँ। जो मैंने नेक्स्ट ड्रेस मंगाई है वो है ये ड्रेस, इसमें दो कलर के ऑप्शन थे, रेड एंड ब्लू। मैंने रेड कलर मंगवाया है, स्कर्ट टॉप का प्यारा सा सेट है, 350 रुपये का है, और मैंने स्मॉल साइज़ मंगवाया है। लेकिन जो मेरे पास कलर आया ना वो थोड़ा रेडिश ना होके ना ऑरेंज ज़्यादा है, ऑरेंज और ब्लू काइंड ऑफ है। आप देख सकते हो ये इसका टॉप है, फ्रंट पूरा फिटिंग का होगा ही टॉप से, क्योंकि पूरा ऐसा इलास्टिक वाला पैटर्न है। और आप देख सकते हो ये ऑफ शोल्डर आएगा, इसकी स्लीव्स भी अच्छी खासी हैं, एंड फ्रंट में ना ये से दो स्ट्रिंग जो दी हुई है, आप इसको ऐसे पुल करोगे तो ये आपका फ्रंट से ऐसा डिज़ाइन बन जाएगा। आप जितना छोटा और बड़ा करना चाहो उतना कर सकते हो। ये है इसकी स्कर्ट, स्कर्ट में कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं लगी हुई है, तो और उस लेकिन मटेरियल सी थ्रू नहीं है तो लाइनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत प्यारी सी क्यूट सी फ्रिल वाली नीचे से ये स्कर्ट है। चलो वियर करके पूरा लुक वगैरह देखती हूँ कि कैसा आ रहा है। इसमें भी सेम दिक्कत है, 350 रुपये का ये है, लेकिन ना मुझे सिर्फ टॉप टॉप अच्छा लग रहा है, मतलब स्कर्ट उतनी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी नहीं। स्कर्ट का फिट देखो बहुत ही ज़्यादा किडिश टाइप का स्कर्ट का, मतलब स्कर्ट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है मुझे, बस टॉप का जो फिट आ रहा है, लुक आ रहा है, टॉप मुझे काफ़ी सही लग रहा है। तो खाली 350 रुपये के हिसाब से आप टॉप टॉप भी ले सकते हो स्कर्ट का, बाकी देख लेना अच्छा लगे या ना लगे। तो वैसे तो ऑल ओवर ये लुक है, जैसा पिक्चर में दिखाया था एग्जैक्टली सेम वैसे ही आया, कलर का बस थोड़ा सा डिफरेंट था, वो रेड था, ये थोड़ा ऑरेंजिश टोन में, लेकिन इतना बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि रेड से ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। और आप बैक से भी देख सकते हो कि ये रहेगा इसका पूरा लुक एंड स्टाइल। वैसे तो जो दिखाया है वही आया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है स्टिचिंग में, मटेरियल में थम्स अप है। मुझे पर्सनली स्कर्ट उतनी नहीं पसंद आई तो मैंने इसलिए बोला, वरना वैसे थम्स अप है, जो दिखाया आपको वही एक्चुअल मिलेगा। बाकी आप देख सकते हो पूरा लुक एंड फिट आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। चलो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइस नेक्स्ट जो हमारा कोट सेट है ना, जब मैं सर्च कर रही थी ना तो मुझे ना इसी कोट सेट की कैटेगरी में ना ये मिल गया है, तो ये एथनिक पीस, लेकिन मैंने कहा ट्राई कर लेती हूँ जब वो इस कैटेगरी में इसको दिखा रहे हैं। तो ये है वो पीस, 1400 रुपये, 1424 रुपीस का ये 1424 रुपये का ये पीस है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी में बोल रही हूँ। देखते हुए बहुत प्यारा लग रहा था, लेट्स सी कैसा आता है, कलर भी बड़े प्यारे से लग रहे थे, और मैंने इसका साइज स्मॉल मंगवाया है। पता नहीं क्या सोच के मैंने मंगवा लिया एथनिक वाली चीज़ भी। सी गाइस ये इसका ब्लाउज़ है, एंड बहुत लाइट पैडेड इसका ब्लाउज़ है, स्लीवलेस है, कोई भी स्लीव्स अटैच नहीं है, पीछे से पूरा आपको जिप मिल जाएगा, और पूरा नीचे तक का जिप है, पहनने में आसानी रहेगी, नीचे आपको बैक में इलास्टिक दी जाएगी फॉर परफेक्ट फिट। काफ़ी ठीक लग रहा है, मतलब सिलाई वगैरह वाले हिसाब से। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ ना, मतलब ये वाला जो वर्क हुआ है ना, ये उतना ज़्यादा रिच नहीं लग रहा है, बहुत चीप सा लग रहा है। आप देखो जो ये गले में ये वाली लाइन है, जो ये मिरर वर्क हो रखा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी देखते हैं। और ये है इसका श्रग, जो ऊपर से हमें इसके पहनना है, और ये श्रग में जो ये स्लीव्स है, ये थोड़ी पफी टाइप की स्लीव्स है, और नीचे हाथ पे आपको ऐसा दिख जाएगा पूरा वही सेम पिंक कलर का कपड़ा यूज़ हुआ हुआ है दोनों तरफ ऐसा ही, और काफ़ी लॉन्ग श्रग है। और ये इसका पैरलर पैंट प्लाजो आप कुछ भी बोल सकते हो, ये है पीछे इलास्टिक दी हुई है, और अंदर अस्तर भी दिया हुआ है, लेकिन अस्तर भी इतना पतला, इतना सी थ्रू लग रहा है ना, कि अस्तर लगाने के बाद भी उतना मज़ा नहीं आ रहा है,
मतलब ये पूरा जॉर्जेट वाला, फिर ये आपका अस्तर। शायद अस्तर लगाने के बाद, पहनने के बाद कुछ ना पता चले, लेकिन मैं पूरा पहन के लुक दिखाती हूँ कि ये एथनिक कोट सेट 1400 रुपये का वर्थ इट है या नहीं है। गाइस 1400 रुपये के हिसाब से आप ये पहनोगे ना, तो आप अलादीन जैस्मिन वाले करेक्टर में से कुछ लगोगे। इसको पहन के ना मुझे वही वाइब आ रही, मतलब जैसा पिक्चर में दिखाया था ना, एग्जैक्टली ये वैसा ही लग रहा है मेरे ऊपर। आप देख सकते हो, ये थोड़ी पफी स्लीव्स वाला इसका श्रग, और ये जो हाथ में आ गई ये दिया ही मुझे लूज है, लेकिन जब ये बिल्कुल ऐसे फिट हो जाएगा, ठीक है, फिट होने के बाद आप देखो ये पूरी पफी स्लीव्स हैं। ब्लाउज का पैटर्न जो इसका ये है पैरेलल बॉटम, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत सही लग रहा है मुझे। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग जो लुक आ रहा है ना, वो काफ़ी ठीक लग रहा है। मतलब प्राइस थोड़ा हाई लग रहा है मुझे 1400 रुपये के हिसाब से, क्योंकि हमने बहुत कुछ ट्राई किया हुआ है लहंगा वगैरह वाली कैटेगरीज, तो हमें पता है कि किस रेंज में क्या मिल पाएगा मीशो में। तो 1400 रुपये के हिसाब से मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है, 800-900 रुपये का होता तो चलता, वरना अगर पसंद आ रहा है बहुत तो आप इसको ले सकते हो, कोई बुराई नहीं। मुझे ऐसी ऐसा जिसमें लगी, बस वो मेरी पर्सनल चॉइस आ रही थी कि मुझे मटेरियल में ये थ्रेड वर्क उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हो इसका लुक ऑल ओवर ये ऐसा लग रहा है। वैसे तो मुझे इससे कोई भी गिले शिकवे दिक्कत नहीं है, तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है। अब चलो मैं लास्ट सेट दिखाती हूँ इस वीडियो का। सो फाइनली हमारा लास्ट जो कोट सेट है इस वीडियो का, वो है ये वाइट कलर का। मतलब आप इसको जिम में, ट्रैक वगैरह में पहन के जा सकते हो अगर ये ऐसा ही आया तो। इसमें दो कलर के ऑप्शन थे, मैंने वाइट वाला मंगवाया है, 345 रुपीज़ का, एम साइज़ का मैंने इसको मंगवाया, शायद एम सबसे छोटा साइज़ था इसमें। लेट्स सी कैसा आता है ये। हम लोग गाइस बहुत हंसे उस बात को लेके कि क्या मंगवाया था, क्या निकला। गाइस ये है निकर इसका, कॉटन टाइप का, मुझे था पॉलिस्टर टाइप का मटेरियल होगा, लेकिन ये तो सी थ्रू लग रहा है मुझे, धुलने के बाद ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा सी थ्रू हो जाएगा। और उसमें वो ये तीन लाइनें आपको दिख जाएंगी, एडिडास की तीन लाइनें। बस मुझे पॉलिस्टर वाला मटेरियल की होप थी, और ये काइंड ऑफ कॉटन टाइप का मटेरियल आया है। और जो इसका अपर है वो आप देखो बिल्कुल सेम आया है, वही तीन लाइन, बिल्कुल सेम स्टाइल, हाथ की स्लीव से लेकर बॉटम में जो ये इलास्टिक लगी है, जिप। बस मटेरियल मुझे कॉटन लगा, कॉटन है, और मुझे थोड़ी पॉलिस्टर वाली होप थी। लेट्स देखते हैं इसको पहन के कि ये लग कैसा रहा है। और सिलाई तो ठीक लग रही है, ओकेश लग रही है, 350 रुपये के हिसाब से ये कोट सेट में वियर करके आती हूँ, फिर आपको इसके बारे में बताती हूँ। गाइस पहले ही बोल देती हूँ, आप बिग नो फ्रॉम माई साइड, ये बहुत ज़्यादा चीप मटेरियल है, पूरा सी थ्रू है, मतलब बिल्कुल ही मत लेना ये। और इस तरह के कोट सेट्स आपको मीशो पे बहुत दिखेंगे, इसीलिए मैंने इनको ज़्यादा नहीं मंगवाया था। कहीं ना कहीं मैं पूरी श्योर थी कि या तो फिटिंग गंदी होगी या तो मटेरियल गंदा होगा, पता नहीं, मेरी इंट्यूशंस कह रही थी कि मैं इस रेंज पे ना ही जाऊँ और कुछ अच्छे अच्छे जो कोट सेट्स हैं, जो रिच कोट सेट्स लग रहे हैं, मैं वही मंगवाऊँ। मैंने वही किया इस वीडियो में, देख लें कितना बुरा आया, तो प्लीज़ ये तो आप मत ही लेना। और अब इग्नो, मैं बाकी बातें करती हूँ आपसे बैठ के। गाइज इसका मटेरियल इतना चीप है, इतना सी थ्रू है, और ऐसा लग रहा है कि बस बहुत ही बेकार लग रहा है, ज़बरदस्ती का बनाया हुआ लग रहा है। बाकी ये तो थे मेरे पूरे के पूरे 15 आर्टिकल्स जो मैंने आपके सामने शोकेस करे। वो एक एक्स्ट्रा आर्टिकल जो आया, मैं देखती हूँ जो डिलीवर नहीं हुआ है ना, उनमें से किसी का एक आया है। और जो और 4-5 आर्टिकल्स थे जो नहीं डिलीवर हुए हैं, वो ये थे, 1, 2, 3, 4, 5, ये कुछ शायद 4 या 5 आर्टिकल्स थे जो मुझे डिलीवर नहीं हुए थे। तो जब मुझे डिलीवर हो जाएंगे तब मैं देख लूँगी कि शॉर्ट्स बनानी है या क्या करना है। बाकी तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुई हूँ आज का जो भी वो सीन हुआ है, मैं पक्का उसकी इंक्वायरी तो ज़रूर करूँगी कि कैसे क्या कौन सी जगह से मुझे वो प्रोडक्ट आया। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है ना, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं जानना चाहूँगी कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मैं सीरियसली ये बात आप लोग से एक बोल रही हूँ। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप मुझसे थोड़ा भी रिलेट करते हो मेरी चॉइसेस से, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे बता भी देना कि आप नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ की देखना चाहते हो। ओके बाय गाइस, लव यू।